तो बोलो मुन्ना, चाहिए ना तुम्हें यही कठपुतली? अन्ना, परंतु ये कैसे संभव हो सकता है? क्या जादू कर दिया आपने पंडित रामकृष्ण पर? कौन सी औषधि पिला दी आपने पंडित रामकृष्ण को? तुम गलत समझ रहे हो मुन्ना, ये दूध नहीं मक्खन है, शुद्ध मक्खन है, अर्थात दही नहीं खीर है, खीर है, अर्थात ये रामा नहीं सुदामा है, हमारा शिष्य। ये बनेगा तुम्हारे लिए तुम्हारा ब्रह्मास्त्र और रामा के लिए उसका सूर्यास्त्र। परंतु अन्ना, रामा जो है वो मुख से नहीं बुद्धि से माना जाता है, तो मुख एक जैसा होने से कुछ नहीं होता, बुद्धि भी एक जैसी होनी चाहिए। बुद्धि? ले लो इसकी बुद्धि की परीक्षा। पता नहीं मां कैसी परीक्षा ले रही है, मैंने तो जो किया था अच्छे के लिए किया था, कदाचित विधि त्रुटिपूर्ण थी, मुझे झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए था। देख भास्कर देख और शिक्षा ले, उचित कार्य के लिए भी अनुचित मार्ग अपनाना भारी पड़ सकता है, इसलिए मिथ्या का साथ कभी मत अपनाना, मिथ्या का साथ सदैव हानिकारक ही होता है। अम्मा, इससे पहले कि महाराज मेरा ठिकाना बदले और मुझे कारागार में डाल दे, मुझे तुम सबको छोड़कर जाना ही उचित होगा। क्षमा करना अम्मा, मैं तुम सबकी आशाओं पर खरा नहीं उतरा। फलति, तुझ अकेले से नहीं हुई है, हम भी भागीदार हैं। अगर तू जाएगा तो हम भी तेरे साथ जाएंगे। किस बात की प्रतीक्षा है? ले लो परीक्षा, कर लो ज्ञात कि ये मुख से ही रामा जैसा है या बुद्धि से भी। हाँ। गुरुजी, हमारे गुरुजी क्या परीक्षा लेंगे? ना ना मुन्ना, हिचकिचाओ मत, जो भी परीक्षा लेनी है ले लो। क्या पूछे? गुरुजी आप क्यों विचलित हो रहे हैं? आज तक इतनी सारी तो परीक्षाएं दी है आपने और लगभग सभी में ही असफलता ही प्राप्त हुई है, पूछ लीजिए उसी में से कोई प्रश्न, उसी में से कोई परीक्षा ले लीजिए। हाँ, कोशिश कीजिए गुरुजी, कोशिश। मारी कभी कभी ये दोनों मूर्ख भी बुद्धिमानी की बात कर जाते हैं। हम परीक्षण के लिए तैयार हैं। मैं भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। तो एक भूल भुलैया है, हैं? उसमें कई भूतिया सुरंगें हैं और तुम एक सुरंग के बीचों बीच फंसे हो, तो कैसे ज्ञात करोगे कौन से रास्ते से बाहर निकलना है? बताओ बताओ बताओ। सरल है, मैं सुरंग की रेत उठाकर देखूंगा, जिस ओर से वायु आ रही होगी उसी सुरंग में जाना चाहिए, बाहर से अंदर आने का मार्ग वहीं से होगा। वायु का प्रवाह
उत्तर दिशा की ओर है, तो हमें उत्तर दिशा की ओर बढ़ना है। आओ आओ। गुरुवर, वायु का प्रवाह दक्षिण दिशा से आया है, इसलिए बाहर जाने का मार्ग और द्वार अवश्य वहीं होगा। उधर चलिए, दक्षिण दिशा में। अब कैसे वश में करूं इस खुजली को? गुरुजी, इसने तो पलक झपकते ही जवाब दे दिया। बुद्धिमान दिखता है। ये उत्तर तो धनी मनी भी दे देते। अर्थात आप गुरुजी हमें बुद्धिमान कह रहे हैं? हमारे कहने का तात्पर्य है, ये उत्तर तो कोई भी मूर्ख दे देता। अब इस प्रश्न का उत्तर दो तो हम माने। जो आप कहें छोटे स्वामी, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। मुद्राओं से भरी एक बड़ी सी पोटली है और उसके दो दावेदार हैं, एक चुने वाला और दूसरा दर्जी। परंतु ये जो पोटली है ये किसी तीसरे की है। तीसरा तेल का व्यापारी। प्रश्न का उत्तर तो इस मूर्ख ने दे दिया। अब तुम केवल इतना बताओ, कैसे ज्ञात करोगे पोटली में जो धन है वो तेल वाले का है? अति उत्तम प्रश्न है मुन्ना। कोई शीघ्रता नहीं है, हमें विदित है कि प्रश्न कठिन है। जितना समय लेना चाहो लो 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 लो। नहीं नहीं छोटे स्वामी, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय नहीं, मात्र एक जल का पात्र चाहिए। उस पोटली को खोलकर उस पात्र में रख दीजिए। यदि कुछ समय पश्चात जल के ऊपर तेल तैरता हुआ दिखे तो समझ जाइए कि वो पोटली तेल वाले के पसीने की कमाई है। किंतु समस्या का हल तो हो गया, लेकिन प्रमाण क्या है? जल पर तैरता हुआ ये तेल। क्यों मुन्ना, हो गई ना तसल्ली? हाँ, एक काम करो, एक प्रश्न और पूछ लो। हाँ, दो पड़ोसी हैं और एक आम का पेड़ है। अब दोनों ये दावा कर रहे हैं वो आम का पेड़ उसका है। एक कहता है कि आम के पेड़ की देखभाल मैंने की है तो पेड़ मेरा है। दूसरा कहता कि नहीं नहीं, मैंने देख रेख की है, मैंने सींचा है, तो इस पर लगे जितने भी फल हैं वो मेरे हैं। और दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। अब ये बताओ, सच कैसे ज्ञात होगा? ये कैसे ज्ञात होगा कि कौन सच्चा है? बोलो क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर क्या होगा? ये अच्छा सवाल पूछा गुरुजी ने। सुदामा, जवाब दो। नहीं नहीं छोटे स्वामी, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप इतने सरल सरल से प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। सरल? अच्छा, यदि सरल है तो उत्तर बताओ क्या है? सीधे पेड़ को जड़ से उखाड़ने का आदेश दे देना चाहिए। इससे जो उस पेड़ पर झूठा अधिकार जता रहा होगा वो उस पेड़ की लकड़ी के लालच में मान जाएगा, किंतु जो सच्चा अधिकार जता रहा होगा, जिसने उस पेड़ को अपने खून पसीने से सींच कर पाला पोसा होगा, वो पीछे हट जाएगा और वो इस आदेश को कदापि नहीं मानेगा। वाह वाह, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तुम रामा की तरह दिखते ही नहीं, रामा की तरह सोचते भी हो। अन्ना, ये छाछ नहीं, ये तो मक्खन। मक्खन नहीं, ये तो शुद्ध घी है। कहां से लाए आप इसे? मुन्ना, एक दिन हम एक मेले में ध्यान में बैठे थे। अच्छा। और तभी हम तुम्हारे बारे में सोचने लगे, तो हमें हमारी ब्रह्म दृष्टि से ज्ञात हुआ कि तुम घोर कष्ट और व्यथा में जीवन यापन कर रहे हो। और तुम्हारे इस कष्ट का कारण मात्र
एकमात्र रामा ही है। ये तो है, बिल्कुल सही दिखा आपकी ब्रह्म दृष्टि से। और जब तुम्हारे कष्ट और दुविधा का उपाय हमने प्रभु से मांगा तो हमारी आंखें खुली और सामने एक नौटंकी का मंच था। उस मंच पर एक कलाकार था जो एक राजा का पात्र निभा रहा था। राजा वो है जो सदैव राज्य की रक्षा करे। राजा वो है। कौन है? जो सत्य का साथ दे। हाँ, जो सत्य का साथ दे। राजा वो है जो खुजली करे। नहीं, राजा वो है जो सदैव धर्म के पथ पर चले। राजा वो है जो सदैव अपनी प्रजा की रक्षा के लिए तत्पर रहे। मैं अपनी प्रजा के लिए पूर्ण रूपेण तत्पर हूं। ये तो शत प्रतिशत रामा, पंडित रामा। अद्भुत। अर्थात इसे खुजली करोगे? मुन्ना, तुमने खुजली का नाम क्यों ले लिया? हे भगवान। सुदामा, सुदामा, नियंत्रण करो। मुझे भी खुजली होने लगी। रामा खुजली क्यों कर रहा है? कंधे की चोट के साथ साथ बस यही कमी है। सुदामा, खुजली पे नियंत्रण करो। सुदामा नियंत्रण। 100 से 1 तक गिनती गिनो। 100, 99, 98, 98। हमें खुजली हो रही। हे भगवान। ओ हो, ना ये चोट का चिन्ह तो अंग वस्त्र पहनने से छिप गया, परंतु इसका रोग कैसे नियंत्रण में आएगा? खुजली पे तो ये नियंत्रण कर लेगा, इतना प्रशिक्षित तो मैंने इसको कर दिया है। परंतु किसी ने इसके सामने खुजली का नाम ले भी लिया तो नियंत्रण करना कठिन है, अन्यथा ये पूर्ण रूप से रामा का स्थान लेने के लिए तैयार है। अच्छा है, परंतु अन्ना असली रामा का क्या करेंगे? रामा भगवान में विश्वास करने वाला मानव है। उसकी इसी कमजोरी को अपना अस्त्र बनाओ और अपने रास्ते से हटाओ। परंतु कैसे? चिंता मत करो मुन्नाचार्य, अनाचार्य है ना, बाकी मैं तुम्हें समझाता हूं। आओ। क्या हम सच में जा रहे हैं? मिला तो कोई अपराध भी नहीं है, मुझे भी जाना पड़ेगा क्या? संकट से घबरा कर भाग रहा हूं। हे माँ, कोई तो संकेत दो, सच में चला जाऊं या रुको? तो मुन्ना, आ गया ना तुम्हारी समझ में
पंडित रामाकृष्णा को कैसे नियंत्रित करना है। समझ गए। हमारे बड़े भैया समझाएं और हम ना समझें, ऐसा कैसे हो सकता है। सारी समस्या तो तुम्हारी समझ की है। आपने कुछ कहा भैया? शीघ्र जाओ और नियंत्रण में करो पंडित रामाकृष्णा को। और सुदामा तुम तैयार हो जाओ पंडित रामाकृष्णा का स्थान ग्रहण करने के लिए। स्वामी मेरे विचार से हमें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, पंडित रामाकृष्णा तो अपने आप लुप्त हो जाएगा। वो कोई बादल है क्या जो बरसकर अपने आप चला जाएगा? छोटे स्वामी हमें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने ही कुछ किया है। ये मेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करता। अब हमारी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करोगे ना? आओ अब हम तुम्हें ये समझाते हैं कि आगे क्या करना है। आओ। इन्हें तो नहीं रोक पाया, प्रतीत होता है अब दौलत खान को ही जाकर रोकना होगा, नहीं तो दौलत खान और तथाचारी यदि एक ही स्थान पर पहुंच गए तो मेरी असली योजना चौपट हो जाएगी इन पंडितों के कारण। अम्मा कुछ शुभ संकेत नहीं मिल रहे, एक कार्य करते हैं, आज रात्रि यहीं रुक जाते हैं, कल प्रातः तय करके निकलेंगे। हाँ क्या तय कर लोगे पंडित रामाकृष्णा? प्रातःकाल तक का तो समय नहीं है आपके पास। हो रहा है भांडा महाराज के समक्ष बता दिया सब कुछ उन्हें। गुरुजी आप ही रामा को बता क्यों नहीं देते हैं कि अभी तक आपने महाराज को कुछ भी नहीं बताया है? बड़ा व्याकुल किया इसने हमें, हमें भी इसे थोड़ा व्याकुल करने दो। बड़ी कठिनाई से यह अवसर प्राप्त हुआ है। बताइए ना गुरुवर क्या हुआ? महाराज तो बहुत आग बबूला हुए होंगे, मुझे दंड देने का आदेश भी दे दिया होगा। कहिए गुरुवर कहिए क्या हुआ? नहीं कहा, महाराज ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमने ही महाराज को कुछ नहीं कहा। दया आ गई हमें आप पर और आपके परिवार पर पंडित रामाकृष्णा। अब क्या करें? ईश्वर ने हमारा हृदय बनाया इतना विशाल है। अर्थात आपने मुझे क्षमा कर दिया? नहीं किया, कदापि नहीं किया, परंतु कर सकते हैं एक वचन पर। शेर थोड़ा सा घायल क्या हो गया? लोमड़ी पूरी तैयारी के साथ आ गई धाबा बोलने। कैसा वचन? आपको प्रायश्चित करना होगा पंडित रामाकृष्णा, आपको एक माह के लिए विजयनगर छोड़कर तिरुपति तीर्थ के लिए जाना होगा। इस प्रकार धुलेगा आपका ये पाप और इस प्रकार मिलेगी आपको क्षमा। गुरुजी रामा के साथ भास्कर को भी भिजवाओ, रामा के लिए उसे नियंत्रण करना भी अत्यंत ही कठिन होगा। और हाँ सुनिए, पत्नी और बच्चे के बिना तीर्थ अधूरा होता है, इसलिए अपने बच्चे को और पत्नी को भी साथ में लेकर जाइए। गुरुवर तो मुझे मृत्यु दंड दिलवाना चाहते थे, तो अब ये तीर्थ यात्रा जैसा छोटा दंड क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे गुरुवर का कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य है। इसलिए अपने बच्चे को और पत्नी को भी साथ में लेकर जाइए।
डंडा उठा लो। अरे अम्मा क्या बार बार डंडा उठा लेती हैं? हम कह रहे पोटली उठा लो और तीर्थ यात्रा पे चल पड़ो हमारे साथ, आपके भी लगे हाथ सारे पाप धुल जाएंगे। क्षमा अम्मा क्षमा, विचार हमारे थे परंतु त्रुटि से मुख से निकल गए, क्षमा। अम्मा की चिंता मत करो शारदा देवी, गुंडप्पा है ना अम्मा का ध्यान रखने के लिए। क्या सोच रहे हो पंडित रामकृष्ण, तीर्थ कराओगे तो संभवतः आपको आपकी देवी माँ भी क्षमा कर देंगी। बापू ये आपकी दुर्बलता का लाभ उठा रहा है। ये जिसे मेरी दुर्बलता समझ के लाभ उठाना चाहता है असल में वो मेरी शक्ति है, संभवतः यही है माता का संकेत जो हमसे मांगा था। बोलिए 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 पंडित रामकृष्ण, बोलिए क्या चाहिए आपको? महाराज से असत्य बोलने का दंड या स्वयं ईश्वर से क्षमा? बोलिए पंडित रामकृष्ण क्या चाहते हैं आप, काल कोठरी या तीर्थ? तिरुपति तीर्थ। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। अच्छा हुआ अम्मा ने साथ आने की जिज्ञासा पर दबाव नहीं दिया, पैदल चलना पड़ता थक जाती बेचारी। उचित कहा। थक नहीं जाती, आपको थका देती बापू। चलो इसी बहाने तिरुपति के दर्शन भी हो जाएंगे। एक बात तो व्यक्ति को गांठ बांध कर रख लेनी चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मुझे संदेह है इस बार जो हो रहा है वो गुरुदेव के अच्छे के लिए हो रहा है। कहाँ जाना है महोदय, कहीं छोड़ दूँ? इतनी रात्रि को गाड़ीवान भी मिल गया, मैंने कहा था ना शारदा जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतनी रात्रि को अनायास गाड़ी वाला, जाने दे भास्कर तू कुछ अधिक ही संदेह कर रहा है। चलिए। मेरा संदेह अनुचित नहीं है बापू, मुझे जो दिख रहा है वो बुरे के लिए होता दिख रहा है। लगता है ये भी बहुत प्रसन्न है जाने के लिए, देखो कैसे हाथ पैर मार रहा है। मैं हाथ पैर नहीं मार रहा, परंतु कोई हमें मारने की ताक लगाए बैठा है आगे पेड़ के पीछे। निश्चित ही ये तथाचार्य जी की कोई चाल है, ये तीर्थ नहीं स्वर्ग पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है। तो ये लोग गाड़ी में बैठ गए, इसका अर्थ ये है कि दौलत खान अपनी चाल चलने को तैयार है, अब इसे रोकना असंभव है। हो गया काम मुकम्मल, अब आगे का काम सुदामा करेगा। चुनौती के चक्कर में असली पंडित रामकृष्ण का अपहरण तो कर लिया, किंतु ये नहीं जानते कि असली पंडित रामकृष्ण है क्या। इन्हें सतर्क करना होगा। शारदा 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 उठो। हम तो तीर्थ गए थे, इस बंद कार खुटरी में कैसे फंस गए? वही तो मैं सोच रहा हूँ, हम यहाँ कैसे आ गए? लो हो गया कल्याण, यही होता है जब कोई मेरी बात नहीं समझता है। इतनी रात्रि को बैलगाड़ी और गाड़ीवान भी मिल गया, मैंने कहा था ना शारदा जो होता है अच्छे के लिए होता है। लगता है ये भी बहुत प्रसन्न है जाने के लिए, देखो कैसे हाथ पैर मार रहा है। हाँ,
अपहरण, हमारा अपहरण हुआ है शारदा। अपहरण? हमारा अपहरण कौन करेगा और क्यों? मैंने अगवा किया है उन्हें, दौलत खान ने, क्योंकि काम को अंजाम देना मेरा शौक ही नहीं, मेरी लत है, लत। इसलिए तो कहता हूँ कि ऊंट का पेट जीरे से भर सकता है, लेकिन दौलत खान कोई भी चुनौती नहीं हार सकता। कौन है ये लोग और इनकी योजना क्या है? किंतु चुनौती पूर्ण करने की इतनी शीघ्रता क्यों थी? वो तो अपने आप ही मार्ग से हटने वाला था। मेरी योजना मुकम्मल हो इसलिए मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। सब कुछ अपनी योजना के अनुसार ही हो रहा। पहले मैं अन्नाचार्य को पटाकर तथाचार्य तक पहुंचा, फिर तथाचार्य को मूर्ख बनाकर पंडित रामाकृष्ण के स्थान पर पहुंचा। अब पंडित रामाकृष्ण का स्थान लेकर मुझे महाराज कृष्णदेव राय के समीप पहुंचना है। वाह सुदामा वाह। और वहां वो दो पंडित ये सोच रहे होंगे कि तुम उनके हाथ की कठपुतली हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि वो तुम्हारे हाथ की कठपुतली है। वाह सुदामा वाह, मुझे फख्र है तुम पर। अन्ना लाओ, लाओ रखो, ये लीजिए अन्ना, रखो। अन्ना यदि आपको भूख लगे तो ये फल और मिष्ठान है, ग्रहण कर लीजिए। प्यास लगे तो शीतल जल, और कुछ और चाहिए तो हम द्वार के बाहर उपस्थित हैं, निसंकोच पुकार लीजिएगा। और ये धनी मनी, ये आपकी सेवा में सदैव उपस्थित रहेंगे। मनी अब तो देखना, ये बुढ़क कार्य तो हमसे दुगना कराएगा, किंतु वेतन तो आधा भी नहीं देगा। अरे जब से इस बुढ़े का शिष्य बनाऊं मैं तो भूल ही गया हूं कि वेतन क्या होता है। कुछ नहीं गुरुजी, कुछ नहीं। तुम और कष्ट मत उठाओ, जाओ और जाकर निश्चिंत होकर सो जाओ। जी अन्ना। प्रणाम। प्रणाम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। चल हटो हटो। अन्ना को लग रहा होगा कि उनका प्रिय छोटा भाई मुन्ना उनकी कितनी सेवा करता है। पर उन्हें ज्ञात नहीं है कि ये सब हम उन्हें और सुदामा को अपना दायां और बायां हाथ बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। पर हम तो समझते थे कि मैं आपका बायां हाथ हूँ। मैं आपका दायां हाथ हूँ। गधे। अरे मूर्खो, तुम दोनों को तो हम अपना दायां और बायां पांव भी ना बनाएं। अब हम सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। जब हमारे पास अन्ना और सुदामा जैसे दो दो चतुर मस्तिष्क होंगे तो हमारी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। बस अब इन दोनों को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर हम विजयनगर के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे, और इन्हें भनक भी नहीं लगेगी। यही हमारी असली योजना है। मेरा भोला भाई कितने प्रेम से हमारी सेवा कर रहा है, और उसे ज्ञात ही नहीं कि उसकी सेवा का मेवा हमें मिलने वाला है। उसे लग रहा है कि हम उसकी यहाँ सहायता करने आए, पर हम तो उसकी गद्दी हथियाने आए। राजगुरु का पद, राजगुरु अन्नाचार्य, और बेचारे मुन्नाचार्य को तो आभास भी नहीं है कि यही हमारी असली योजना है। वहां दोनों महान पंडित अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे होंगे, और उन्हें ज्ञात भी नहीं होगा कि पंडित रामाकृष्ण का स्थान लेकर
महाराज कृष्णदेव राय की मृत्यु ही मेरी असली योजना है। और महाराज की मौत के बाद विजयनगर पे हुकूमत करने का मकसद मेरा है। फिर मैं धूल चटाऊंगा उस बाबर को जिसने मुझे दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर किया है। और तुम तो जानते हो कि ऊंट का पेट जीरे से भर सकता है, लेकिन किंतु दौलत खान चुनौती नहीं हार सकता। ये तो कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है शारदा। हाँ बापू, परंतु अब आप बस विचलित मत होना। आप विचलित होते हो तो कुछ भी नहीं सोच पाते। हमें यहाँ से शीघ्र निकलना होगा, महाराज का जीवन संकट में है। इसलिए कृष्णदेव राय को मौत के घाट उतारने के लिए तुम्हें पंडित रामाकृष्ण की जगह आना होगा। और उनकी जगह आने से अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, खुद असली पंडित रामाकृष्ण भी नहीं। और मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। कौन है ये जो मेरा स्थान लेना चाहता है? प्रश्न ये उठता है कि मेरे होते हुए ये ऐसा करेगा कैसे? तमाम, अभी तुम काम तमाम करते थे, ताला क्यों नहीं लगाया? जाओ जाके ताला लगाओ। माफी हुजूर। इसने मुझे देख लिया है और हमारी संपूर्ण योजना भी सुन ली है। अब ये किसी भी हाल में यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मेरी चुनौती ये है कि मेरे यहाँ रहते ये यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। और तुम अच्छे से जानते हो कि ऊंट का पेट जीरे से भर सकता है, लेकिन दौलत खान कोई चुनौती नहीं हार सकता। ये क्या था? वो व्यक्ति देखने में बिल्कुल आपके समान प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो द्वार की दूसरी ओर कोई दर्पण रखा हो। ऐसे कैसे मेरे समान प्रतीत हो रहा था? वो उसकी नाक देखी थी कितनी लंबी थी, और उसका पेट भी निकला हुआ था और चोटी तो बहुत ही छोटी थी। नहीं नहीं नहीं, नाक भी समान थी, पेट भी समान था और चोटी भी समान थी। हाँ रामा, सब कुछ समान था जैसे कोई मेरी जुड़वा बहन हो, परंतु निश्चित तौर पर मेरी भांति वार्तालाप नहीं करती होगी। मैं तो संदेह हो रहा है कि आप भी असली हैं या कोई तीसरे है। ईश्वर, यदि तुम पहचानने में त्रुटि कर रही हो तो इसका अर्थ यह है कि कोई नहीं पहचान पाएगा कि असली कौन है और नकली कौन। असली और नकली का फैसला तो कल दरबार में होगा, जब तुम पहली बार वहां जाओगे। चिंता मत करो दौलत खान, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। वहां जाऊंगा और अपनी छाप छोड़कर ही आऊंगा। अरे कहां गया द्वार? यही तो था। ये कोई संकेत मिल क्यों नहीं रहा है? आप इतने विचलित मत होइए। आप जब भी विचलित होते हैं कुछ ना कुछ उल्टा ही होता है। अरे सब कुछ उल्टा हो ही रहा है शारदा, और तुम कह रही हो कि मैं विचलित ना हूँ। कल वो बहरूपिया दरबार जाएगा मेरा स्थान लेकर, वहां पहुंचकर महाराज को प्रभावित करेगा और उसके पश्चात महाराज के समीप जाकर मैं अर्थात पंडित रामाकृष्ण बनकर उनका वध कर देगा, और तुम कह रही हो कि मैं विचलित ना हूँ। अरे हाँ, तब तो संपूर्ण आरोप आप पे आ जाएगा। संकट ये नहीं है कि आरोप मुझ पर आएगा, चिंता का विषय ये है कि महाराज का जीवन संकट में है। हाँ, इस पे तुमने ध्यान ही नहीं दिया। देखिए आप चिंता मत कीजिए, वो एक दिवस नाटक करेगा, दो दिवस करेगा, तत्पश्चात बहरूप में पकड़ा ही जाएगा। शारदा की बात तो अच्छी लग रही है, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमेशा के लिए हमें यही रहना पड़ेगा।
अरे गधों, इतना दूर दूर क्यों चल रहे हो? अब हम सदैव आपसे दूर ही दूर चलेंगे गुरु जी। हाँ, पूर्व में हम आपकी परछाई बल्कि सदा आपके साथ साथ चला करते थे। हमें लगता था कि धनी आपका दाया हाथ और मनी आपका बाया हाथ। अरे नहीं, इनका हाथ तो अन्ना और सुदामा है ना। हाँ, सुदामा ही है। गुरु जी, ये सुदामा पेड़ के पीछे नृत्य क्यों कर रहा है? दरबार में जाके सबके समक्ष ना करूं, इसलिए पहले से ही करके समाप्त कर ले रहा हूं। देखो, आज प्रथम दिवस है, अधिक महत्वपूर्ण है, कोई भी ऐसी वैसी त्रुटि मत करना, समझ गए? हाँ। और हाँ सुनो, ये जो हमने तुम्हें नया अंग वस्त्र दिया है, इसे बाएं कंधे पर ऐसे ही रखना ताकि ये चोट का जो चिन्ह है वो छुपा रहे, हाँ? समझ गए? हाँ। और ये तो बिल्कुल मत करना। क्या मत करना छोटे स्वामी? कुछ मत बोलना, ये तू बोल दिया तो ये फिर से शुरू हो जाएगा। किसी ने इसके सामने खुजली का नाम ले भी लिया तो नियंत्रण करना कठिन है। क्या ना करूं छोटे स्वामी? कुछ भी करना, जो चाहे करना, परंतु कोई त्रुटि नहीं करना। दरबार हमारे पहुंचने के पश्चात आना। जी, जो आ गया। हाँ, आओ। आज तो महाराज कुछ अधिक ही गंभीर लग रहे हैं। सभी उपस्थित है, बस पंडित रामकृष्ण अब तक नहीं आए। नामंत्री जी, अर्थात आज भी विलंब से आएंगे वो, परंतु आज तो हम उन्हें निष्कासित करके छोड़ेंगे। गंभीर ही नहीं, आज तो बड़े क्रोध में भी हैं। यदि सुदामा पकड़ा गया तो कारागार में नहीं सीधे ऊपर जाएगा। आनंद आ जाएगा। सात दिवस होते हैं सप्ताह में, पर पंडित रामकृष्ण तो आठ दिवस विलंब से आते हैं प्रति सप्ताह। महाराज, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कब आते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आकर कार्य करते हैं कि नहीं। गुरुवर, आप पंडित रामकृष्ण का पक्ष ले रहे हैं? नहीं, हमने ऐसा कब किया? अभी किया आपने। हाँ, वो त्रुटि से हो गया होगा, हम तो पंडित रामकृष्ण का पक्ष ले ही नहीं सकते। हम क्यों करेंगे पंडित रामकृष्ण का बचाव? कहीं तो होगा बाहर जाने का मार्ग। ये बाहर जाने का मार्ग तो नहीं है, परंतु ये झरोखा है बाहर की ओर देखने के लिए। आधा सूर्योदय हो चुका है, अर्थात मेरे दरबार जाने का समय हो चुका है, किंतु मेरे स्थान पर वो जाएगा। अरे, इतना सरल है कि उस भैरुपिया का पंडित रामकृष्ण बनके दरबार जाना? पसीना छूट जाएगा उसका। कदम धरते आएंगे। तू कर सकता है, यदि तुझे यहां राज करना है तो तुझे करना ही होगा। सुदामा है, सुदामा
रामा से कम नहीं है। साहस कर, साहस कर। आगे बढ़। यदि वो दरबार तक पहुंच भी गया ना तो द्वार पे ही कोतवाल जी उसको पहचान लेंगे। वो किसी और को जाने ना जाने, परंतु आपको, आपको तो अच्छे से जानते हैं वो। ये बेढंगा गुलाब जामुन पक्का कोतवाल ही होगा, यही विवरण दिया था तथाचार्य और अन्ना ने। पंडित रामकृष्ण जी, आज आपको विलंब से नहीं आना था, महाराज अत्यधिक क्रोध में। कोतवाल जी भी नहीं पहचान पाए तो तिमरासु जी तो पहचान ही लेंगे उनको, अर्थात महामंत्री जी। वो तो आपके बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं ना। ये रसगुल्ला पक्का मंत्रीवर तिमरासु ही होगा। विलंब से आकर प्रसन्नता मत दिखाया कीजिए पंडित रामकृष्णा। तो यदि मंत्रीवर भी नहीं पहचान पाए तो? तो महारानियां पहचान लेंगी। आज शारदा को चाधेक ही सकारात्मक है और बापू को चाधेक ही नकारात्मक, ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? और नहीं तो क्या, स्त्री की दृष्टि बड़ी ही पारखी होती है, तुरंत पहचान लेती है। ये दोनों अवश्य महाराज कृष्णदेवराय की रानियां ही हैं। भाग्यशाली है महाराज, परंतु उनका भाग्य अधिक दिन तक उनका साथ नहीं देने वाला। महारानी तिरुमलम्मा, हाँ? क्या आप भी वही देख रही हैं जो हम देख रहे हैं? हाँ, हमारी भी आंखें, परंतु क्या? पंडित रामकृष्णा का व्यवहार प्रतिदिन से पृथक है। हाँ? थोड़े भयभीत, थोड़े निंद्रा में, अवश्य ही इनको विलंब निंद्रा के कारण ही हुआ है। महाराज का पूरा क्रोध इन पर ही बरसेगा। प्रणाम महाराज। यदि रानियां भी नहीं पहचान पाई ना तो महाराज की सूक्ष्म दृष्टि से नहीं बच पाएगा वो भैरोपिया। प्रणाम पंडित रामकृष्ण, आज पुनः विलंब से आए हैं आप। अब यदि इसने कोई भी बहाना बनाया तो समझो ये गया ऊपर। महाराज मुझे क्षमा कर दें। नहीं, हम कोई बहाना नहीं सुनेंगे आज। भगवान, फूट गई हांडी, फैल गया रायता। गुरुजी, ये है आपका दायां हाथ, अब देखिएगा कि महाराज कैसे इसका मुखौटा उतारते हैं। महाराज आज मेरे पास ना कोई बहाना है ना ही कोई कारण है, मेरे पास तो आपके लिए अरबी अंजीर है। महाराज अरबी अंजीर? जी महाराज, मैं दरबार आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक अरबी व्यापारी मिल गया, तो मुझसे आपके लिए ये अरबी अंजीर लिए बिना रहा नहीं गया। लीजिए ना। लीजिए महाराज। जी से लेकर महाराज तक उन्हें कोई पहचाने या ना पहचाने, परंतु आपके परम शत्रु तथाचार्य उन्हें अवश्य पहचान लेंगे। वो क्या पहचानेंगे, मुझे तो संदेह है उनका भी हाथ है इसमें। स्वादिष्ट है।
ये तो जितना सोचा था उससे भी अधिक चतुर निकला। महाराज का क्रोधित मुख अंजीर खाते ही प्रसन्नता भरे मुख में परिवर्तित हो गया। देखो देखो, महाराज एक के बाद एक ऐसे अंजीर खाते चले जा रहे हैं। अच्छा है, लगे रहो सुदामा, शाबाश शाबाश। अरे कोई तो आदत होगी, कोई गतिविधि, कोई चिन्ह, कोई चोट जो दोनों में भेद करा सके। बस ऐसा कुछ स्वयं सबके समक्ष आ जाए, तत्पश्चात कोई नहीं बचा सकता उस भैरूपी को। आज ये मरवाएगा। पंडित रामकृष्णा, एक आध हमें भी चखा दो, हमने कौन सा व्रत रखा हुआ है। लाई लाई लाई, दिख रहा है। देखने के लिए नहीं, चखने के लिए दिया है छोटे स्वाद। गुरुवर गुरुवर, दिख रहा है। अच्छा ये आज ही लिया है? हमने लाके दिया है। हाँ दिख रहा है, छुपाओ। क्या छुपाओ? पंडित रामकृष्ण, क्या छुपाया जा रहा है हमसे? कुछ 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 नहीं महाराज, कुछ नहीं। हम पंडित रामकृष्ण को बता रहे थे कि मनुष्य कितना भी वास्तविकता को छुपा ले, कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। पंडित रामकृष्ण, क्या है ये? हम आपसे पूछ रहे पंडित रामकृष्ण, ये क्या है? आज आपका अंग वस्त्र हमें कुछ विचित्र सा प्रतीत हो रहा है। अब तो पकड़े जाएंगे। विचित्र लग रहा है महाराज। नहीं 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 महाराज, कुछ भी विचित्र नहीं है। ये तो वही अंगवस्त्र है जो मैं वर्षों से पहनता आ रहा हूँ, है ना गुरुवर? नहीं पंडित रामकृष्ण, कुछ तो भिन्न है। महाराज, पंडित रामकृष्ण ने दाएं स्थान की जगह बाएं स्थान पर अंगवस्त्र डाल दिया है, क्योंकि चुप रहो मूर्खो। महाराज ये मूर्ख है, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए गधे। पंडित रामकृष्ण, आप हमें बताइए, आपने अपना अंग वस्त्र उल्टी दिशा में क्यों पहना है आज? क्यों भेद खुलाने पर तुला है ये? घर पर तो बड़ा चतुर बन रहा था, यहां क्यों बोलती बंद हो गई इसकी? क्या हुआ पंडित रामकृष्ण, चुप क्यों हैं? हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। चुप रहना तो आपके स्वभाव में नहीं है। अंग वस्त्र उल्टी दिशा में क्यों पहना है पंडित रामकृष्ण, बताइए। कैसे बोलेंगे महाराज, कैसे बोलेंगे? लज्जित जो खड़े हैं, हमने इन्हें चुनौती दी थी, पराजित हो गए, और जब तक ये लज्जित खड़े हैं तब तक ये अंग वस्त्र इन्हें अपने उल्टे कंधे पर ही रखना पड़ेगा, ये हमने कहा था इनसे। हाँ 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 महाराज, हाँ। क्या कह रहे हैं गुरुवर? पंडित रामकृष्ण आपसे चुनौती में पराजित हो गए? हाँ महाराज, क्यों पराजित नहीं हो सकते क्या? हाँ हो भी सकते हैं। नहीं 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 शारदा,
तुम चाहे कुछ भी कह लो, किंतु मुझे वो बहुत 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 चतुर लग रहा है। वो बिना योजना के नहीं आया होगा, बिना अभ्यास के वो दरबार में भी नहीं जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसे कोई नहीं पहचान पाया होगा। आप तो नकारात्मक पे नकारात्मक सोच रहे हैं बापू। अरे हम आपको सीधा सीधा सोचने के लिए बाध्य कर रहे हैं और आप क्यों उल्टे-उल्टे सोचे जा रहे हैं? मैं सोच नहीं रहा, देख रहा हूँ भविष्य, देख रहा हूँ अपने नेत्रों के समक्ष कि उसने मेरा स्थान ग्रहण कर लिया है। हमारे पति का स्थान कोई भी नहीं ले सकता, वो बहरूपिया मात्र आपका मुख लेकर घूम रहा है। और आपकी जैसी बुद्धि कहाँ से लाएगा? देखना, कोई भी मुद्दा आएगा ना तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी उसकी और वो यूं पकड़ा जाएगा, यूं। हाँ मंत्री जी, और समय व्यतीत नहीं करेंगे, अब बिना विलंब के आज का मुद्दा आरंभ किया जाए। महाराज, महाराज आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा है आपके साले साहब का। महामंत्री जी, वो मुद्दा तो अत्यंत आवश्यक है, हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं, कदापि नहीं। बताइए क्या मुद्दा है जी। महाराज को प्रणाम। महाराज, हम चाहते हैं कि वासुदेव को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, इसीलिए हमने महामंत्री जी के कहने पर वासुदेव को गुरु शिव स्वरूप जी के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा था। उनका व्यवहार वासुदेव के प्रति अत्यंत ही रुष्ट है, इसीलिए वासुदेव गुरु आनंद स्वरूप जी के यहाँ जाकर उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। उनका व्यवहार वासुदेव के प्रति उत्तम भी है, परंतु महाराज हम वचन दे चुके हैं गुरु शिव स्वरूप जी को कि वासुदेव उनके यहाँ जाकर उनसे शिक्षा प्राप्त करेगा, और वासुदेव गुरु आनंद स्वरूप जी को वचन दे चुका है कि ये उनके आश्रम पे जाकर उनसे शिक्षा ग्रहण करेगा। यही मुद्दा है महाराज। ओहो, मुद्दा तो बड़ा पेचीदा लग रहा है, कहीं सुदामा के सर पर ना आ जाए। ये मुद्दा तो अत्यंत पेचीदा है, आप दोनों गुरुवर इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बालक को ज्ञान प्राप्त करना है महाराज, ये इसका मौलिक अधिकार है, और वासुदेव हमें वचन दे चुका है कि वह हमसे ही शिक्षा ग्रहण करेगा, इसीलिए वासुदेव को अपना शिष्य बनाए रखना हमारा ही अधिकार है महाराज। और आप गुरुवर, आपका क्या विचार है, आप कहिए। महाराज, यहाँ वचन कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि ये बालक के भविष्य का प्रश्न है, अतः हम महारानी चिन्ना देवी को अपने वचन से मुक्त करते हैं, यही बालक की कर्ता धर्ता है। अब बालक का पालन पोषण, उसकी शिक्षा दीक्षा का चयन वही कर सकती हैं। अभी तो वासुदेव को बहुत शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो इतने सामर्थ्य नहीं है कि अपने गुरु का चयन स्वयं कर सके। हम भी वासुदेव को अपने वचन से मुक्त करते हैं महाराज, ताकि वह अपने गुरु का चयन अपनी इच्छा से कर सके। परंतु हमारा मत ये है महाराज, यदि शिष्य गुरु को ग्रहण नहीं करेगा तो गुरु के द्वारा दी हुई शिक्षा को भी ग्रहण नहीं कर पाएगा। ये मुद्दा तो और भी पेचीदा होने लगा है। आप दोनों गुरुवर के कथन तो उचित हैं। पंडित रामकृष्णा, आपका इस विषय में क्या कहना है? पंडित रामकृष्णा, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमारी बात सुन नहीं पा रहे हैं क्या? पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, सुना 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 महाराज, सुना मैंने, वो निष्कर्ष निकाल रहा था महाराज, दोनों गुरुओं ने जो कहा उस विषय में निष्कर्ष निकाल रहा था। उचित, तो बताइए क्या निष्कर्ष निकाला आपने? कुमार वासुदेव आपके परिवार का अंग है, आप ही उनके कर्ता धर्ता है, तो जैसा कि गुरु शिव स्वरूप ने कहा, आपको ही उनके लिए उचित गुरु चयन करने का अधिकार है, और जैसा कि गुरु आनंद स्वरूप जी ने कहा, आपको ही
कुमार वासुदेव की सहायता करनी चाहिए उचित गुरु चयन करने में, ताकि वो उस गुरु से उचित शिक्षा ग्रहण कर सके। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, प्रसन्न है हम कि आपने अपना अंग वस्त्र केवल उल्टी दिशा में पहना है। आपकी विचारधारा अभी वही है। मार ली अपने पैरों पर कुल्हाड़ी और इसे पता भी नहीं चला। जी पंडित रामकृष्ण, परंतु आप हमारे विशेष सलाहकार हैं और यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप हमें हमारे निर्णय लेने में हमारी सहायता करें। तो हमारे समक्ष एक मुद्दा है, एक उचित गुरुवर के चयन का, और हम चाहते हैं पंडित रामकृष्ण की इस चयन में हमारी सहायता आप करें। मुझे महाराज? जी पंडित रामकृष्ण, आप हो गया काम, ये मुद्दा आज ही आना था। नहीं 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 शारदा, तुम मेरी पत्नी हो इसलिए तुम्हें इतना विश्वास है, और तुम ये स्वीकार ही नहीं करना चाहती कि वो बहरूपिया जब हमें यहाँ तक पहुँचा सकता है तो स्वयं कहाँ तक पहुँच सकता है, किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। शारदा, हम समझते हैं कि वो सब कुछ आपकी भांति कर लेता होगा, आपकी भांति दिखता होगा, परंतु आपकी जैसी बुद्धि, आपकी जैसी विद्वता कहाँ से लेकर आएगा वो? ये वाली शारदा कुछ भी नहीं लग रही है, आप सदा ऐसी समझदार क्यों नहीं रह सकती हो? ज्ञान देकर मैंने ये क्या ज्ञान कर डाला, अब कैसे तय करूं? हमारी और क्या देख रहे हैं पंडित रामकृष्ण, आप तो स्वयं सक्षम हैं इस मुद्दे का हल निकालने के लिए, तो निकालिए निकालिए हल निकालिए। और ध्यान रहे, ये चयन अत्यंत आवश्यक है, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न केवल हमारे साले का नहीं है, अपितु हमारी महारानी चिन्ना देवी के भाई के भविष्य का है। महाराज, इस मुद्दे को सुलझाने से पूर्व मैं कुमार वासुदेव से ये ज्ञात करना चाहूंगा कि इन्हें दोनों गुरुओं की कौन सी बातें पसंद हैं और कौन सी नहीं। शिव स्वरूप जी, गुरुवर बड़े ही कठोर हैं, कभी प्रसन्न ही नहीं होते, कभी सराहना ही नहीं करते, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, छोटी सी त्रुटि पे भी बड़ा सा दंड देते हैं। ज्ञान तो भरपूर देते हैं, तो कार्य और दंड भी भरपूर देते हैं। और आनंद स्वरूप जी के विषय में क्या विचार हैं आपके? गुरुवर बड़े ही अच्छे हैं, त्रुटि होने पर भी क्षमा कर देते हैं, उचित प्रकार से समझाते हैं, कथा भी सुनाते हैं। यही है जो मेरे कहने पर मुझे खेलने देते हैं, पढ़ने के लिए विवश नहीं करते, अत्यधिक कार्य भी नहीं देते। फिर भी हमारा एक भी शिष्य किसी से कम नहीं है महाराज, आप चाहे तो कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। नहीं गुरुवर, हमें आपकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं, इसलिए तो मुद्दा अत्यंत कठिन हो चुका है, परंतु हमारा विश्वास यह भी है कि पंडित रामकृष्ण इस कठिन मुद्दे को सरल कर देंगे। हमें और कुछ समझ आए ना आए, परंतु हम इतना अवश्य समझते हैं कि वो बहरूपिया कोई भी मुद्दा हल करने जाएगा ना, तो अपने जाल में स्वयं ही फंस जाएगा। बताइए पंडित रामकृष्ण, क्या हल निकाला है आपने? और स्मरण रहे, वसुदेव को आपका यह निर्णय स्वीकार हो, और वो भी प्रसन्नतापूर्वक।